सावन मास में माँ गंगा के जल से भगवान शिव का जल अभिषेक करने के लिए कांवड़िए ना धूप देख रहे हैं, ना बरसात देख रहे हैं और ना ही बाढ़ देख रहे हैं। मन में लगन है तो भोले शंकर की और जुबान पर एक ही नाम है, जय भोले भंडारी जय डमरूधारी। जी हाँ, यह कहना है उन कांवड़ियों का जो गुरुवार को पंचकुला में सैकड़ों मील पैदल चलने के बाद गंगा जल लेकर के आए हैं। दिलचस्प बात यह है, इन कांवड़ियों में 82 साल के पिंजौर निवासी कस्तूरी लाल भी शामिल है, जो पिछले 22 सालों से भगवान शिव का जल अभिषेक करने के लिए हर साल हरिद्वार से कांवड़ लेकर आते हैं। उनके हौसले में जरा भी फर्क नहीं आया है। उन्होंने कहा कि डमरूधारी थे साथ और गंगा मैया का था आशीर्वाद और हर मुसीबत पार करते चले गए। कस्तूरी लाल का कहना था कि बाढ़ ने डराने की कोशिश की लेकिन उनके कदम नहीं डगमगाए और वे भोले की मस्ती में डूबे हर मुसीबत पार करते चले गए। अब 16 जुलाई को सोमवार के दिन भगवान शिव का जल अभिषेक करेंगे। बॉक्स हरिद्वार का जल पहले नीलकंठ महादेव पर चढ़ाया, फिर ऋषिकेश से पंचकुला रवाना, दूसरी तरफ नालागढ़ से हरिद्वार जल लेने गए। पंकज का कहना था कि भोलेनाथ की मस्ती में खोकर वह हर मुसीबत पार करते चले गए। कई रास्तों पर 2 फुट तो कहीं इससे ज्यादा पानी मिला लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 8 जुलाई को पंचकुला से उन्होंने कांवड़ यात्रा शुरू की थी। हरिद्वार से जल लेने के बाद वे नीलकंठ गए और हर हर महादेव पर गंगा जल अर्पित कर वे ऋषिकेश लौट आए थे। इसके बाद हालात खराब हो गए थे। उन्होंने बताया कि मौसम खराब होता चला गया लेकिन उन्होंने कहीं ना ठहरने का निर्णय लिया था। हालांकि जिन जगहों पर पानी इकट्ठा होना शुरू हुआ तब पुलिस ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया था। वहां का जल स्तर कम होने के बाद वह वहां से पंचकुला आने के लिए रवाना हो गए थे। उन्हें सुनने में आया है कि पिछले 3 दिनों से अंबाला में भी बाढ़ का खतरा आ चुका है लेकिन वे तब तक पंचकुला के नजदीक पहुंच चुके थे। वे 16 जुलाई को भगवान शिव के दरबार में जाकर जलाभिषेक करेंगे। बाबा जी, क्या नाम है आपका? कस्तूरीलाल। कस्तूरीलाल जी। कस्तूरीलाल अंकल जी, आप जो है कितने सालों से कांवड़ में लगे हुए हैं, कांवड़ लेके आते हो हरिद्वार से? मैं 21 साल से लगातार आ रहा हूँ कांवड़ लेकर, ये 21वीं है। आप रहते कहाँ हो? पिंजौर में। पिंजौर में जी। तो आप अकेले जाते हो घर से? अकेले जाते हो। भोलेनाथ साथ रहते हैं ना? भोलेनाथ तो साथ होते ही हैं सभी के। तो आपके घर वाले कहते नहीं है? वो कहते थे पहले, भाई उम्र ज़्यादा हो गई है। वो मैंने सोचा 2-4 साल तक मैं अपना हर जाऊँगा, बूढ़ा हो जाऊँगा तो बेटा मेरे साथ में है, वो बैठा हुआ मिला है। अच्छा, बेटा आपके साथ है? जी, अभी बैठा हुआ है साथ में। अच्छा, तो आपको कैसा लगता है? मुझे अभी तो बहुत बढ़िया लग रहा है और मैं चाहता हूँ अभी यही करता अभी और लाता ही रहूँ। नहीं, लाते तो आप रहोगे, चलो अच्छी बात है, लेकिन आपके पाँव में भी छाले पड़े हुए हैं। कोई बात नहीं, ये तो हमेशा की बात, सब तो पड़ते पड़ते हैं। आप एक बार दिखाओगे अपने तो छाले? बारिश की वजह से बजरी घुस गई थी। आपके पाँव में इतनी तकलीफ है तब भी आप इतनी मुश्किल से भोले लेके आ रहे हैं कांवड़, तो भोलेनाथ की आपकी कृपा फुल बनी हुई है, पूरी कृपा। रास्ते में जैसे अभी 2-3 दिन से जो बारिश चल रही थी जी, उसके अंदर भी आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा? बारिश में तो हम चलते चलते हैं, अगर बारिश में रुकते तो सफर पूरा नहीं होता। अच्छा, चाहे कितनी बारिश हो हम चल रहे हैं लेकिन ये सड़क पार करने पानी क्रॉस करके है ना, उस टाइम थोड़ी दिक्कत आई। मेरे साथी और भोले लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उन्होंने पकड़ पकड़ के पार कराया, करीब करीब 0.5 किलोमीटर पानी में से चल गए। कितनी उम्र है आपकी? 82 यस। 82 साल? 82 साल। तो आप युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहोगे? जी, जो युवा पीढ़ी या नौजवान जो बच्चे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैंने मैसेज क्या देना, ये तो आपकी एक खुद एक 82 साल की उम्र में आप एक कांवड़ लेके आ रहे हो वहाँ से, आप एक प्रेरणा हो। तो देखो, एक तो एक शौक होना चाहिए, बाकी प्रभु की कृपा भी होनी चाहिए। भोलेनाथ को याद रखना चाहिए, वो हर काम पूरे करते हैं। अच्छा, मन में लगन होनी चाहिए ये? तो सब कुछ सिद्ध हो जाता है, सब कुछ सिद्ध। आप इनके बेटे हो? मैं बेटा हूँ। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश्वर नाथ है। तो आप इनके साथ जाते हो? नहीं नहीं, मैं नहीं जाता, ये तो यही कर सकते हैं। भोले शंकर हम तो बहुत समझाते हैं, भोलेनाथ ने जिम्मेदारी इनको दे रखी है। जिम्मेदारी तो क्या, देखिए ये डर लगता है, जाते हैं बट मानते नहीं है, बस यहाँ पर बोलते हैं नहीं जाना, पर नहीं जाते। जब तक भोला नहीं मना करेगा मैं नहीं जाऊँगा। अच्छा, नहीं जाऊँगा, जाऊँगा।
तो इस बात को देख के डर लग रहा है। हाँ, अभी इनको पैरों में भी छाले पड़े हैं। ये जाते हैं तो अपना फ़ोन भी साथ में लेकर जाते हैं, कहते हैं ये मेरे दिन है, मुझे कोई तंग नहीं करेगा, ये कोई कनेक्टिविटी नहीं रखते हैं, बस यहाँ पहुँच के हमें कॉल करते हैं, मैं पहुँच गया, तो पूरे रास्ते का हमें पता नहीं होता है कहाँ है कहाँ नहीं है। इस बार बहुत डर था, पानी चारों तरफ इतना आया हुआ है, जैसे पानी काफ़ी रास्ते में था तो भी भीड़ भूख काफ़ी बहुत चीज़ी पर डर था, पर लेकिन कनेक्टिविटी थी नहीं कोई। ये तो कल इन्होंने रामगढ़ पहुँच के फ़ोन किया, मैं पहुँच गया हूँ, घर वालों के मन में डर रहता है, बना रहता है, बिल्कुल रहता है, अभी उम्र में तो रहेगा जी, पर नहीं मानते हैं, क्या करें। चलो भोलेनाथ इनके साथ है, उनकी बने। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जी पंकज कुमार है जी। पंकज कुमार जी, आप कहाँ से चले हो? हम चले थी पहले चले हम ऋषिकेश से नीलकंठ चढ़ाया जी हमने जल, उसके बाद फिर हरिद्वार से अब जा रहे हैं कुमारहट्टी शिव मंदिर में। कहाँ से रहने वाले हो आप? कहाँ से? नालागढ़ कुमारहट्टी से। हिमाचल प्रदेश। जब वहाँ से आप चले थे नीलकंठ से, तो रास्ते में आपको किन किन परिस्थितियों का, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? जब जी ऋषिकेश से चले हम जल उठा के वो 3 बजे तब तो हमें ऊपर जाके कोई परेशानी नहीं हुई जी, आराम से चले रहे हैं। जैसा कि आपने देखा था कुछ दिन अभी बारिश से 3 दिन बेहाल रहा सारी जगह, बाढ़ ग्रस्त। हाँ जी, बस एक बाढ़ के कारण थोड़ी दिक्कत परेशानी हुई हमें, थोड़ा पानी था रोडों पे सड़कों पे, उसके कारण थोड़ी दिक्कत परेशानी हुई हमें। तो उससे कैसे निकले आप, कैसे बाहर आए? बस भोलेनाथ की कृपा से आ गए जी भोलेनाथ, जब गंगा मैया साथ चली गई तब किस बात का डर नहीं। जैसे पानी बाढ़ ग्रस्त सड़कें सारी भरी हुई थी, तो आपको किसी ने अलर्ट किया प्रशासन की तरफ से, आपको कुछ मिला वहाँ पे? हाँ जी, प्रशासन ने पूरा साथ दिया जी हमारा जी, नहीं उन्होंने अलर्ट का कोई इंटीमेशन दिया था आपको? हाँ जी, हाँ जी, जब है था जी, जब जहाँ जहाँ पानी ज्यादा था जी वहाँ रोक दिए जी, वहाँ रोक देते थे प्रशासन के आदमी, जाने देते जी अंदर। अच्छा, रोक देते थे वो? हाँ जी। तो पूरी आपको प्रशासन का पूरा सहयोग मिला? हाँ जी, हाँ जी, प्रशासन से पूरा सहयोग मिला जी। कितना कितना पानी था वहाँ पे चढ़ा हुआ? ये हमने तो इतना पानी, 2 फुट पानी, 2 फुट करीब। तो इसके अलावा आपको क्या क्या दिक्कतें आई है? उसके अलावा जी भोलेनाथ की कृपा है, अब तक तो कुछ नहीं आई जी, आगे पता नहीं, देखेंगे। आगे कोई दिक्कत नहीं आई है अभी तक? तो नहीं, ठीक ठाक है जी सब, हम तो आराम से चले हुए जी, 8 तारीख के चले हुए जी। अच्छा, 8 तारीख से चले थे? हाँ जी। आज कितनी तारीख है? आज आप 13 तारीख है। 13 तारीख, 16 तारीख को चढ़ाएंगे जी जल हम। अच्छा, तो 8 तारीख से लेकर 13 तारीख तक सिर्फ बाढ़ के सिवा आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं जी, अब तक तो कुछ नहीं है जी, हमारे सब साथी ठीक है जी। क्या नाम है आपका? यमुनानगर से लेके कौन सा था बाकी सोनूड़ा पर दिक्कत सर हमें यहाँ हो रही है जी, हर उससे आगे यमुनानगर से आगे, यमुनानगर से आगे ब्राह्मण माजरा। क्या हुआ वहाँ पे? क्या दिक्कत है? 30 किलोमीटर जी हम पैदल चले, कंटिन्यू चले जी, ना कोई सीवर था, ना कुछ, ना कोई ढाबा था जी बीच में। अच्छा, यमुनानगर से लेके ब्राह्मण माजरा तक कोई सीवर नहीं मिला? नहीं जी, 30 ब्राह्मण माजरा से लेके राजपुरा तक कोई शिवर नहीं नजर आया आपको 30 किलोमीटर तक? हाँ जी, 30 किलोमीटर चले जी, कंटिन्यू चले जी, शिवर ना कोई ढाबा कुछ। तो वहाँ दिक्कत आपको? हाँ, ना वहाँ कोई ढाबा है सर, ना वहाँ कोई शिवर है जी, अगर ढाबा भी हो चलो तब भी हो जाता है। ट्रैफिक को लेके क्या व्यवस्था थी? जी उत्तराखंड और यूपी में तो हमारा प्रशासन ने पूरा साथ दिया जी, पूरी एक साइड हमारे लिए छोड़ रखी थी। उत्तराखंड और यूपी के अंदर प्रशासन ट्रैफिक का साथ दे रहा है जी हमारा, उससे आगे हरियाणा में थोड़ी दिक्कत हो गई है जी, वहाँ पे ना कोई गाड़ी वाला, ना कोई कुछ देख रहा है हमें जी चलते चलते। अच्छा, गाड़ी सारे नज़दीक से लेके जा रहे हैं जी, 2 दिन बाद तो ऊपर चढ़ गए हमारे जी, ना कोई पुलिस वाला हमारा साथ दे रहा है, ना कोई प्रशासन हमारा साथ दे रहा है जी। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कावड़ियों को ट्रैफिक की व्यवस्था से हरियाणा के अंदर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? हाँ जी, हाँ जी, अब यहाँ भी सर बहुत दिक्कत हुई हमें पीछे। तो क्या कहना चाहोगे आप हरियाणा ट्रैफिक पुलिस से? हमें तो यही कहना, हम तो यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा हमारा सहयोग दे जी, हमारे बारे में भी सोचे, हम इतने दूर से आते हैं जी, थोड़ा आगे आगे हमें दिक्कत हो जाए। पीछे कोई दिक्कत नहीं हुई जी हमें, यूपी में ना हमें उत्तराखंड में कोई दिक्कत हुई जी, यही हो रही है जी बस हरियाणा में। सिर्फ हरियाणा में ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर आप निराश? आगे भी हमारे जी हिमाचल में भी थोड़ा ना, उधर भी जी
बहुत परेशानी होती है जी, बत्ती से लेके नालागढ़ तक जी, वहाँ भी साथ साथ में डर लगा रहता है, यहाँ जाती है साथ साथ में गाड़ी की, रोड व्यवस्था ठीक नहीं है। हाँ वहाँ हरियाणा से लेके वहाँ तक नालागढ़ तक। तो कुछ कावड़ी आपको ऐसे भी मिलते हैं जैसे कोई नशा नुशा वगैरह? हाँ बहुत मिलते हैं जी ऐसे, तो आते तो मेरे को लग रहा है जी यही काम करने जाते, नशे के लिए जाते हैं जी, वो कावड़े चोरी करते हैं जी बस। कावड़ को लेकर अभी भी हमें जी डर था यहाँ से पंचकूला तक जी की कोई हमारी कावड़ ना उठा दे, जब यहाँ आकर थोड़ी तसल्ली मिली जी तभी हम यहाँ रुके जी। कुछ ऐसे शरारती तत्व भी बीच में आएंगे जी, हम 7 बजे से हमने तकरीबन कर दिया मैं बोलता हूँ 30 किलोमीटर कंटिन्यू इसी चक्कर में कि हमारे कोई कावड़ चोरी ना कर ले। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।